सो हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे साथ सारे ऊपर तो सभी बढ़िया हो गए। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि भाई बीकॉम बीबीए हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करें, हमें फायदा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, प्लेसमेंट क्या रहेगी, क्या फीस रहेगी, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो देख लेना, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिशन से कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं बीबीए या बीकॉम में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो देखो, दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 50% आपके होने चाहिए, प्लस टू में 50% अबव होने चाहिए, तो आप इजिली एडमिशन ले सकते हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फीस क्या है, तो देखो जो बीकॉम की फीस है ना वो है 52,500 पर सेमेस्टर। अगर यही आप 6 सेमेस्टर की लगाओ तो आपको 3,20,000 के आसपास पड़ेगी। उसके बाद 2,000 आपकी सिक्योरिटी फीस लगती है, जो कि एक बार एडमिशन लेते हो तो ही लगती है, और 2,000 ही आपकी एग्जामिनेशन फीस लगती है, जो कि हर सेमेस्टर लगती है। तो मोटा मोटा आप ये लगा लो, आपको यार 330-340 के आसपास बीकॉम की फीस लगेगी आपको। और बीबीए का भी सेम ही क्राइटेरिया है। हाँ, बीकॉम में कोई स्पेशलाइज कोर्स नहीं है इनके पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और बीबीए में आपको स्पेशलाइज कोर्स मिल जाते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे वीडियो। एंड जो स्पेशलाइज कोर्स है उनकी फीस है 58,500 पर सेमेस्टर, मतलब 6,000 ज्यादा है नॉर्मल बीकॉम या बीबीए से। तो ये बीबीए की स्पेशलाइज कोर्स की फीस थी। ये हो गया फीस का। अब भाई स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी, हम एडमिशन ले लेते हैं, हमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन हम चूज कर सकते हैं बीकॉम में और बीबीए में। तो सबसे पहले हम बीकॉम की बात करते हैं। देखो, बीकॉम में आप ई कॉमर्स चूज कर सकते हो, टैक्स ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन चूज कर सकते हो, इंश्योरेंस चूज कर सकते हो, मार्केटिंग चूज कर सकते हो, फाइनेंशियल मार्केटिंग चूज कर सकते हो। बाकी ये लिस्ट मैंने अटैच कर दिया, इसमें आप देख लेना आप कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। एंड अब बीबीए में आ जाता है कि बीबीए में आप कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। तो बीबीए में आप मार्केटिंग कर सकते हो चूज, फोरेक्स मैनेजमेंट कर सकते हो, टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सब आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो बीबीए में। एंड बीबीए में जो दो अलग से स्पेशलाइज कोर्स है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड कर रखे हैं, वो फर्स्ट आ जाता है बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि इन्होंने कोलैब कर रखा है सैस के साथ। सैस जिनको इंटरेस्ट है डेटा वेटा में उनको पता होगा, सैस काफी बड़ी कंपनी है, तो उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेटेड कर रखा है। इसमें आपको इंडस्ट्री स्पेसिफाइड टीचर्स आते हैं पढ़ाने में, उनका करिकुलम खुद का होता है, उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सॉफ्टवेयर आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद जो अगला कोर्स स्पेशलाइज आ जाता है वो आ जाता है बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। इसकी भी फीस 58,500 है, और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का बनाया कोर्स है, किसी के साथ कोलैबोरेटेड नहीं है, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं, स्पेशलाइज टीचर पढ़ाने को आते हैं वही सब। तो ये होता है स्पेशलाइज कोर्स। अब आपको कहोगे कि भाई स्पेशलाइज कोर्स और अनस्पेशलाइज कोर्स में फर्क है, हम कैसे चूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपका ना एक दिल से ही है, मतलब आपको पता है स्टार्टिंग से, आपको एडमिशन लेने से पहले ही पता है भाई मैंने तो करनी डिजिटल मार्केटिंग है, या भाई मैंने तो जाना ही बिजनेस एनालिटिक्स में है, तो आप स्पेशलाइज कोर्स चूज कर सकते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो आप भाई जर्नल लो, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने का, आपको पता लग जाएगा यूनिवर्सिटी में जाके कि भाई किस चीज की ज्यादा वैल्यू, किस चीज की नहीं, उसके बाद आप अपना स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो। अनस्पेशलाइज कोर्स उनके लिए है जो भाई श्योर नहीं है कि इन फ्यूचर क्या करना है। अब अगली चीज आ जाती है कि भाई हमने फीस भी भर दी, हमने एडमिशन भी ले लिया, हमने क्लासेस भी अटेंड करनी स्टार्ट कर दी, बट अब इसका फ्यूचर क्या है, इसमें कैरियर क्या क्या है, बीकॉम से हम कहाँ फ्यूचर में प्रोसीड करते हैं। तो देखो, बीकॉम में काफी कैरियर है, आप सीए भी बन सकते हो, आप सीडब्ल्यूए भी बन सकते हो, आप फाइनेंशियल सेक्टर में भी जा सकते हो, आप ऑडिटिंग भी कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हो, तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटी खुल जाती है बीकॉम के बाद में। एंड अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आप भाई एफएमसीजी सेक्टर में जा सकते हो, आप एचआर सेक्टर में जा सकते हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो, तो काफी अपॉर्चुनिटी बीबीए के बाद भी खुल जाती है। अगली चीज आ जाती है भैया प्लेसमेंट, क्या हमें प्लेसमेंट मिलेगी, मिलेगी तो कौन सी कंपनीज आती है। तो देखो, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है ना कि भाई अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको बैंकिंग में प्लेसमेंट मिलेगी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब कुछ आते हैं, और अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आईबीएम, केपीएमजी, अमेजोन, डेलोइट, एक्सेंचर, ऐसी ऐसी कंपनीज के नाम लिखे हो, तो बीबीए करने के बाद हमें इसमें प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं, तो भाई सारे डाउट अभी आपके मैं क्लियर कर देता हूं। तो भाई आपको ये तो पता लग गया अब क्या फीस है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज। अब जो लास्ट है ना भाई, जहां पे बात अटक जाती है कि भाई प्लेसमेंट क्या होगी, तो भाई जो प्लेसमेंट है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर रखा है कि भाई मैक्सिमम प्लेसमेंट जो रही है इनकी मैनेजमेंट की 28 लाख पर एनम, तो भाई बिल्कुल गलत है ये वेबसाइट पर जो मेंशन है 28 लाख पर एनम ना। एमबीए वाले की रही होगी प्लेसमेंट, बट बैचलर्स वाले की इतनी नहीं होती। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मेरे काफी जानकार है जो कि बीबीए बीकॉम में पढ़ रहे हैं, तो मैं अंदर की बात बताता हूँ, जो एवरेज प्लेसमेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होती है वो 3 लाख के आसपास हो जाती है पर एनम के हिसाब से, और मिनिमम तो 2 भी चला जाता है कई बार, एंड मैक्सिमम 6 भी हो जाती है, बट
मोस्टली 3-3.5 लाख पर एनम एवरेज रहती है बीबीए बीकॉम दोनों की प्लेसमेंट, चाहे आपने स्पेशलाइज्ड कोर्स ले रखा है चाहे नहीं ले रखा, प्लेसमेंट सेम ही रहती है। उसके बाद आप कह रहे हो इज इट वर्थ कि भाई एडमिशन लेना वर्थ है हमें इतनी प्लेसमेंट मिल रही है, तो देखो इसमें दो केस आ जाते हैं। अगर आपके पास पैसे है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको सोच के लगाने पड़ रहे हैं पैसे, तो मैं अभी सब कुछ बता दूं। देखो अगर सबसे पहले तो आपके पास पैसे है तो भाई आप जाओ इतनी प्लेसमेंट मिल रही है ठीक है, क्योंकि बैचलर्स के बाद ना प्लेसमेंट अगर आप बीकॉम या बीबीए कर रहे हो ना तो उसके बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होते हैं, बट फिर भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाता है प्लेसमेंट। तो भाई अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो जाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेकंड चीज आ जाती है अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको भाई सोच के लगाना है भाई पूरा अच्छा फोकस करके, तो भाई मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि इतना पैसा ना अपने बैचलर्स पे मत लगाओ। अगर या तो आप श्रीराम कॉलेज वगैरह से कर रहे होते तो अलग ही बात थी भाई, क्योंकि वो तो टॉप लेवल कॉलेज है, बट अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जिनके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भाई आप थोड़ा प्लानिंग करो, आप कोई ऐसे मीडियम कॉलेज में एडमिशन लो जहां से आपको आपकी स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि भाई मास्टर तो देखो बैचलर्स के बाद करनी पड़ेगी, चाहे आप बीबीए कर रहे हो चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, आपको मास्टर तो करनी पड़ेगी अगर आपने कॉरपोरेट लेवल पे अपना कैरियर बनाना है। तो भाई मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, कोई मीडियम कॉलेज में एडमिशन लो जहां आप थोड़ी बहुत ही अपनी स्किल्स डेवलप कर सको, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आप अब करने की सोच रहे हो ना वो थोड़ा और सेविंग्स करके अपनी मास्टर्स पे करो, अपना मास्टर्स अच्छे से करो, वो चीज सबसे बेस्ट रहेगी। आपको इससे डबल ट्रिपल भी प्लेसमेंट मिल सकती है, पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, 3.5 तो यार कुछ नहीं होता, अगर आपने मास्टर कर रखी होगी आपको 6-7-8 का पैकेज भी मिल सकता है। तो भाई अपने मास्टर्स का इन्वेस्ट करना, अभी आप सेविंग्स करो अपने मास्टर के लिए, और बैचलर्स के लिए कोई भाई मीडियम यूनिवर्सिटी देख लो जहां आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सको, क्योंकि बैचलर्स के बाद कम अपॉर्चुनिटीज होती है, मास्टर के बाद ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो ये मेरा सजेशन है। और वैसे भी यार मैं बीबीए बीकॉम की बात करूंगा ना, तो जो आपने +1 +2 में पढ़ा ना वही रिपीट घूम फिर के आता है, कुछ ऐसा नया सीखने को बहुत ही कम मिलता है आपको। तो बाकी आपकी मर्जी है, जो आपके दिमाग में हो या जो आपका मन कह रहा हो वो कर लेना, मैं तो एक सजेशन दे सकता था। तो अगर आपके कोई डाउट है तो भाई कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं आप रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और काफी लोग कहते हैं कि भाई आप इंस्टा पे भी रिप्लाई नहीं करते, कमेंट में भी देखो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करता हूँ, इंस्टा पे मेरे ब्लॉक हो जाते हैं मैसेजेस रिक्वेस्ट, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट इंस्टा पे भी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्लाई करता हूँ, मैसेज इतने सारे आ जाते हैं ना, तो भाई इतने सारे लोगों का रिप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है, मैं अपनी जॉब भी करता हूँ तो बहुत टफ हो जाता है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बूम।